अताशाद, जिसका असल नाम मोहम्मद इसहाक था, वो एक शायर, नक्काद, ड्रामा निगार, मुहक्किक और दानिश्वर थे। उन्होंने बलोची और उर्दू जबान में नज़में लिखीं। शाद को जदीद अलामती बलोची शायरी का मेमार समझा जाता है। उन्हें हुकूमत है पाकिस्तान ने 1983 में सदारती तमगा बराए हुसन है कारकर्दगी से नवाजा था। उनके मुनफरिद उसलूब ने उन्हें अदबी हलकों में एक नुमाया मकाम दिलाया। बलोच रवायत के तारीख में हकीकी मानों में एक वसी तर काम किया और अताशाद ने हकीकी मानों में उर्दू शायरी और बलोची सकाफत के दरमियान एक पुल का काम किया। अताशाद नवंबर 1939 में तुर्बत के करीब सिंगानीसर जिला कैच में पैदा हुए। उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल तालुकात आम्मा और सेक्रेटरी इत्तिलात के तौर पर कई सरकारी ओहदों पर खिदमात अंजाम दीं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल महकमा आसार कदीमा बलोचिस्तान, सेक्रेटरी महकमा जंगलात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इदारा सकाफत है बलोचिस्तान और प्रोड्यूसर और ड्रामा नवीस रेडियो पाकिस्तान जैसे ओहदों पर फाइज रहे। अपनी जिंदगी के दौरान अता ने उर्दू शायरी के दो मजमूए शाय किए। अता की उर्दू शायरी बलोची सकाफत और बलोचिस्तान के मंजरनामे की हकीकी अक्कासी करती है। उन्होंने कुछ बलोची लोक दास्तानों, रोमानवी दास्तानों और मुकालमों की तस्दीक करके उर्दू शायरी में एक नया शायराना जायका शामिल किया। उन्होंने महनाज, शाह मुरीद और हानी, वफा और लोरी जैसी नज़में लिखीं। वो बलोची सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं और आम बलोच मुआशरे की नफसियात पर बात करते हैं। उनकी मुख्तसर नज़्म वफा बैत का हल्फ इस तरह है, मेरे मादर है वतन पर पानी की एक कतरा जो अबदी वफा के काबिल है। आइए हम अपनी प्यास बुझाएं और अपने आप को अबदी बंधन के ताबे कर दें। अताशाद की शायरी की खास बात यह है कि यह अपना एक अलग और इनफरादी माहौल रखती है जो सिर्फ इसी से मखसूस है। चनानचे ये अपने कारी को कुछ देर के लिए ऐसे माहौल में पहुंचा देती है जो बिल्कुल अलग, मुनफरिद और हद दर्जा दिलकश है। इसके मुताले से कारी पर बैक वक्त मुख्तलिफ व मुतजाद हालतें और कैफियात तारी होती है। इसका एतराफ डॉक्टर नासिर अब्बास नईर ने इस तरह किया, अताशाद की गजलें पढ़ते हुए कारी खुद को एक खास जुग्राफियाई फिजा में महसूस करता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अताशाद के शायरी मंजरनामे पर बलोचिस्तान अपने जुग्राफियाई, तहजीबी और सकाफती और समाजी खत व खाल समेत छाया हुआ है। अताशाद तुर्बत मकरान में पैदा हुआ, वहीं फला और बड़ा हुआ जो बलोचिस्तान का गर्म तरीन इलाका है, और फिर उसकी बाकी की सारी जिंदगी तकरीबन क्वेटा में गुजरी। लिसानी हवाले से अताशाद का अहम काम नई लफ्जियात और तराकीब की तामीर और उनका फनकाराना इस्तेमाल है। इसके अलावा अताशाद ने बाज़ खालिस बलोची अल्फाज को अपनी शायरी में बरता है। उसने ये अल्फाज इस तरह उर्दू में इस्तेमाल किए हैं कि ये अजनबी होने के बावजूद मानूस लगते हैं और ना तबीयत पर ग्रां गुजरते हैं, ना शेर के आहंग को मुतासिर करते हैं। इस तरह अताशाद ने उर्दू जबान के लिसानी जखीरे में इजाफा किया और इस नज़रिए को तकवियत पहुंचाई कि उर्दू जबान का खमीर इसी धरती से उठा है। अताशाद की तसानीफ में सिंगाब, रोचगीर, दरीन, गचीन शायरी, बुरफाग, बलोची उर्दू लुगत, हफ्त जबानी लुगत, बलोची हिस्सा, बलोची नामा और नमूना कलाम किताब शामिल है। अताशाद को 1982 में सदरे पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। अताशाद का इंतकाल 13 फरवरी 1997 को हुआ और 14 फरवरी को क्वेटा के कासी कब्रिस्तान में सुपुर्द है खाक किया गया। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने उनके बारे में कहा कि अताशाद हर किस्म के समाजी जबर के खिलाफ आवाज उठाते थे और ये कि बलोचिस्तान कई सालों से कबायली जबर और आमरियत का शिकार रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।